हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं तस्खीर और इस वीडियो में मैं जो रिएक्ट करने वाला हूं वो वीडियो है मेरे कप्तान तेरा एहसान। ये कौम ऐसी जगाई मज़ा आ गया, कुछ फ़नी टाइप का शो है और इसमें हैशटैग लगे हुए हैं इमरान रियाज खान, इमरान खान PTI इमरान खान। तो देखने के बाद पता चलेगा कि क्या है, कैसा शो है, कुछ फ़नी टाइप का शो होता होगा। यार भाई न्यूज़ से ये वीडियो है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर उनको चेक करिए और सब्सक्राइब करिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। जी रजा, आज क्या खबर है? खबर है कि ईद उल फितर पर मौसीकारों का हुकूमत से महंगाई पर शिकवा। हुआ ये है कि इमरान भाई, जैसे ही पता चला कि आप आ रहे हैं तो खान साहिबान भी तशरीफ ले आए हैं। वो सारे ये चाहते हैं कि आपके सामने अपने इस सिक्के का इजहार करें कि बहुत ज्यादा महंगाई है, हुकूमत से ज्यादा महंगाई हो गई है। और बिल्कुल इन्होंने सामने इजहार करना चाहिए है। इन्होंने नाम ही मिलता है प्राइम मिनिस्टर ना, और इन्होंने नसीब भी उन्होंने मिलता है। बात बड़ी अच्छी है, इधर जैकेट पाई है, वही बच्चा नहीं जिसकी मां ने टाकी नाम भी उनसे मिलता है। जी डॉली पार्टन का गाना, खान साहब आपको डॉली पार्टन का गाना याद? अल्लाह मेरा जानता है जी, झूठे दे लानत है। अच्छा, एक पैकेट सेमियां दे लिया, आधा मैं पकाया, आधा इन्हें। अच्छा हारून साहब, ऐसा नहीं है कि एक जर्नलिस्ट से ज्यादा एक आर्टिस्ट लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है? देखिए आर्टिस्ट लोग जो हैं ये उन ममालिक में इन्फ्लुएंस करते हैं जिन ममालिक में लोगों का जो एक जमालियाती हिस्स है ना, उसकी तस्कीन के लिए वो लोग इन चीजों की तरफ ध्यान देते हैं। यहाँ पर लोग भूख से मर रहे हैं। सिंध के हुक्मरान जो हैं जी, उनका जो गाड़ियों का काफिला चलता है जी, उसमें एम्बुलेंस और कभी वो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ देखी हैं आप? जी बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी अप टू डेट होती हैं, जबरदस्त किस्म की होती है, और उनके अंदर उनके ब्लड ग्रुप की ब्लड की बॉटल्स तक मौजूद होती है। एवरीथिंग जी, हर चीज जो कि आम एम्बुलेंस में नहीं होती। देखिए आम आदमी के लिए कुछ और है, जिनी उम्र होगी सियासतदाना दी, एक एक बोतल तो लगनी ही है। बोतल तो याद आया जी, जी उदो अद्धी एक बोतल ते चौधरी परवेज लाई दी भी थोड़ी यार वैसे बाकी क्या। अच्छा मुझे वैसे सीरियसली बुरा मनाया उनके लोगों ने जी 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 जी। चौधरियों की जो पॉलिटिक्स है वो हमेशा से बड़ी दबंग थी, वो डंडी पट्टी बड़े तगड़े थे, उन्होंने कभी बधवाएं नहीं दी, उन्होंने सोटे मारे हमेशा। इस दफा जो चौधरी साहब ने यूं करके वो पूरे गुजरात के अंदर रोला बना हुआ है। चौधरी साहब को अगले दिन पट्टी उतार के तो वो दोबारा पीरस देनी पड़ी, ये दिखाना पड़ा। किसी ने बहुत खूबसूरत उस पर एक मीम भी बनाई थी कि कमाल है वो डॉक्टर जिसने फ्रैक्चर हड्डी का पायोडीन से इलाज किया। कहना जी बहुत अच्छे डॉक्टर, दिल ना दे दुआ सुनी से, टूटी बांह ना पहली बार दे। कहना भी डबल वन डबल टू वाले नू चौरी साहब ने गाला बहुत कड़ी है। वो क्यों? उनके मरो पैप ते लाता पीछे सिलेंडर ताडे पियो ने। और वो एडा पागल आदमी सी, वो वन वन टू टू वाला जी जी, उन्हें वो पैप जाके टूटी ना लाता पानी आ गया। लखां जरा आराम से बात करें। अच्छा जो मेरे शोहर है ना, ये बड़े ही अमीर हैं। अच्छा, ये तो बैठे बैठे गवर्नमेंट चेंज करवा सकते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, लोगों के दिन फिर दे, तेरा तो दिमाग भी फिर गया। अच्छा, ये एक नया फेनोमेना स्टार्ट हो गया है कि एक सर्टेन लिमिट है पैसों की, अगर वो किसी के पास भी हो तो वो जब चाहे गवर्नमेंट चेंज कर दे। नहीं, जब चाहे नहीं होगी ये, देखें कहने को और लॉजिकली तो ये बात समझ आती है जी, लेकिन वो तब तक नहीं होगी जब तक तब्दील करने वाले चाहेंगे नहीं, तब तक नहीं होगी जी बिल्कुल। और बहुत सारी सपोर्ट चाहिए होती है, उस सपोर्ट के बगैर नहीं, खाली पैसा काम नहीं करेगा, उसके लिए और चीजें भी चाहिए। इस बात से आपके जुमले से जो बिटवीन द लाइंस मैं समझा हूं, क्या वो दुरुस्त है? हाँ ठीक है। सब इशकार करके शेर फड़ ले। अच्छा विदेशी तो मारा बैग होता, इंटरव्यू कर ला फिर। और वो बोर होके मर गया। खासा वर्गे बंदे तो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, अपने आप बनाते हैं, लोग खुश होकर देखते हैं माशाल्लाह यार कितनी मेहनत की है, कितने सोहने लग रहे हैं। यह जो बंदे जो अपने आप बनाते हैं ना, 100 ऐप निकल आते हैं। हर अठी दिन खजाब ला के अपने ऐप छुपा लेता। अच्छा यार, ईद का मौका है, हालात हाजरा के हवाले से कुछ ना कुछ ये लेकर आते हैं, लिख के लाते हैं, तो आज कुछ लाए तो हमें सुनाए? नहीं है? नहीं नहीं, जरूर लेकर आए होंगे, सुना दें कुछ जरूर। अबे मुझे इनकार कर दिया तुमने, साड़ी येरी कदी शेर सुना दे। एक मिनट लगता है, इसे कुड़ी बिठा दे, एक मिनट जी कौन ही इसे स्टैंड दे लाके, हवा का झोंका जब जमाले।
आपस च कर लो कौम ऐसी जगाई मजा आ गया वो सर पकड़ कर हैं बैठे सभी साजिशी सर पकड़ कर हैं बैठे सभी साजिशी ऐसी बजाई मजा मेरे कप्तान तेरा है एहसान ये कौम नुसरत साहब करी में गए बरादरी ताड़ी च आ गया मैं तेरे को लेने में दिता अंतरार से जी 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 सही वर्णन है यार महंगाई पर चीखते थे बहुत वो जो महंगाई पर चीखते थे बहुत वो जो कहते थे बिजली बहुत बढ़ गई वो जो कहते थे बिजली बहुत बढ़ गई वो बांटने लग गए लूट का माल बांटने लग गए लूट का माल वो अब शुरू है लड़ाई मजा आ गया भाई मेरा है एहसान ये कौम ऐसी जगाई मजा कौम ऐसी जगाई मेरे आँख में है हयाना सवालात पर आँख में है हयाना सवालात पर जी जी कहते रहे लू को हर बात लू कौन लू हाँ जी कौन लू ओ उसने खत में थी अपने जो ख्वाहिश लिखी उसने खत में थी अपने जो ख्वाहिश लिखी सारी पूरी कराई सारी पूरी कराई काबले गौर बड़ा शेर ओ जो थे कहते करेंगे इलेक्शन ही अब जो थे कहते करेंगे अब नहीं कहते इलेक्शन ही अब दूध का दूध पानी का पानी यहाँ दूध का दूध पानी का पानी यहाँ वो उनकी सिटी हुई गुम फंसे अब बुरे उनकी सिटी हुई गुम फंसे अब बुरे तूने की वो धुलाई मजा धुलाई रेडी बैठे थे लंदन से आने को वो रेडी बैठे थे लंदन से आने को वो सोने उल्टा असर कर दिया कर दिया सोने उल्टा असर कर दिया फिर तगड़ा लिखा है डॉक्टर करेंगे सफर से मना फिर से डॉक्टर करेंगे सफर से मना तूने दी वो दवाई मजा अच्छा सबसे बेस्ट लाइन थी यार ये हुकूमत की तब्दीली जड़ी है ना मेरे छोटे भाई लिए जानलेवा साबित
अच्छी कवाली जी, बड़ी अच्छी कोशिश की है इन्होंने। अच्छा हाँ यार, बहुत शायरी भी अच्छी है। यानी कि मुंह में अच्छी नहीं गई ना, लिख कर कौन लाया आपने? शायरी तो अच्छी है भाई साहब, एक एंकर पर्सन है उस लिख के एंकर पर्सन मिलती है जो साडे च नसीबा ही लिखे साडे अगे रख दे कंटेंट के ऊपर। अगर कोई पर्चा होना है तो एंकर पे होना है। तगड़ी यार शायरी थी इसके अंदर, जो गाना है फनी टाइप से इन्होंने प्रेजेंटेशन की है, लेकिन उसके अंदर मज़ा ही डाल दिया इन्होंने यार। जो जो बोल है ना उसके, जो शायरी है, सबसे लास्ट वाले बढ़िया लगे कि ऐसी दी ऐसी दवाई के मज़ा आ गया यार, मज़ा आ गया यार इसको सुनकर। तगड़ा लिख दिया उन्होंने कि जलसों ने रोक दिया, वो आने को तैयार थे। मैं समझ गया था कि इसकी बात कर रहे हैं, मैंने बोला भी था शरीफ, तो बहुत ही सही तरीके से इन्होंने बताया है। एंड यस, इमरान रियाज खान का होना भी इसमें काफ़ी मज़ा आ रहा था। मैं जो म्यूज़िक और लय है वो कॉपी है नुसरत साहब के मेरे रश के कमर से। उनके अंदाज़ में इन्होंने बड़े बढ़िया तरीके से यार बोल लिखे और उनके अंदाज़ में गा दिए। कोई ये कव्वाली अच्छी लगी या नहीं लगी कमेंट सेक्शन में बताओ। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ।